संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले से जुड़ी बड़ी खबर अपडेट। इस मामले में बता दूं आपको कि गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एसओजी के आरोप पत्र पर रोक लगाने की यहां पर मांग की गई है शेखावत की ओर से। हाईकोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। गिरफ्तारी से रोक हटाने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो जोधपुर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। शेखावत ने एसओजी के आरोप पत्र पर रोक लगाने की मांग की है। मामले को लेकर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में आज सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर फिलहाल उन्हें राहत दे रखी है, रोक लगा रखी है। मामले में एसओजी लगातार जांच कर रही है। आरोप पत्र को पेश करने की आशंका को देखते हुए शेखावत ने प्रार्थना पत्र पेश किया। शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो राज्य सरकार ने भी याचिका लगाई हुई है, जो गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है उसको हटाने को लेकर याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होनी है 30 अक्टूबर को। और ज्यादा जानकारी लिए इसी खबर पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी अरुण हर्ष। अरुण हर्ष, क्या अपडेट है इस मामले में अभी तक? मणि, मैं बताना चाहूंगा, जो शेखावत की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में, जिसमें यह कहा गया है कि एसओजी कोई आरोप पत्र पेश नहीं करे, उस पर रोक लगाई जाए। और वही राज्य सरकार की तरफ से जो एक एप्लीकेशन लगी है, जो इसमें गिरफ्तारी पर रोक लगी गई है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, उसको हटाने के लिए। दोनों ही मामले एक ही मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मामला शेखावत की तरफ से आज जो लगाया गया है उसमें लंच के बाद में सुनी होगी, जिसमें शेखावत की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि उसको जो है आचार संहिता चल रही है और चुनाव के बीच में उनको गिरफ्तारी नहीं की जाए, उस पर रोक लगी जाए। साथ ही साथ जिस तरह से आरोप पत्र पेश किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। एसओजी जो आरोप पत्र पेश करेगी उस पर रोक लगी जाए। वही जो राज्य सरकार की जो अपील है उस पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसमें यह कहा गया है कि शेखावत की गिरफ्तारी पर जो छूट दे रखी है राजस्थान हाईकोर्ट ने, रोक लगा रखी है, उसको हटाया जाए। तो कह सकते हैं आज जो महत्वपूर्ण है यह है कि एसओजी की तरफ जो आरोप पत्र पेश करने वाला है उसको लेकर जो शेखावत की याचिका है उस पर हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। मणि, अच्छा, शेखावत ने अपने याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया, जरा विस्तार से मैं चाहूंगी उन बिंदु पर प्रकाश डाले अरुण हर्ष। देखिए, शेखावत शुरू से इसी बात को नहीं करते रहे कि हर मामले में जब उसका नाम घसीटा जा रहा है उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो एसओजी ने पिछले दिनों नोटिस देने की जो बात कही थी, वित्तीय बैंक से लेन देन और खातों की जानकारी, जबकि ऑलरेडी उन्होंने दो बार पेश कर चुके हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से यही दलील दी जा रही है कि उनकी तरफ से एसओजी को पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जो आरोप पत्र पेश करके उनको शायद संभवतः गिरफ्तार करे। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगाने की मांग है जो शेखावत की तरफ से की गई। अब देखना ये हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देता, लेकिन कह सकते हैं शेखावत ये कहते हैं कि चुनाव आयोग के जो चुनाव चल रहे हैं उसके बीच में जिस तरह से आरोप पत्र पेश किए जा रहे हैं, संभवतः जो है राजनीतिक स्कैंडल हो सकता है, इसको इसी को रोक लगाने के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है। मणि, क्योंकि एसओजी इस मामले की लगातार जांच कर रही है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की ओर से भी यहां पर जो वकील है वो भी अपनी जो दलील है वो भी कोर्ट में रखते हुए नजर आएंगे, तो फिलहाल वकील की तरफ से क्या जो है अभी कहा जा रहा है इस मामले पर, क्योंकि अब से कुछ देर का वक्त है जब इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। अरुण हर्ष, मणि, अगर कहना इस मामले में कहना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य सरकार ने वरिष्ठ वकील है जो हरीश पी रावल को किया है, उसमें लोक अभियोजक बनाकर पेश किया, और उनकी दलीलें यही रहेगी कि जिस तरह से एसओजी ने जो जांच की है उसमें सारा जो है प्रथम दृष्टया शेखावत आरोपी, हालांकि पहले जब प्रथम जांच हुई थी उसमें शेखावत आरोपी नहीं थे, बाद में जो परिवाद आए उसमें वो आरोपी बने। इस मामले को लेकर शेखावत ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यस्तता के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है, एसओजी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और यही इन मामलों को लेकर इन दोनों वकीलों के बीच में बहस होगी। फिलहाल देखना यह है कि किस तरह से जो है हाईकोर्ट इस मामले में निर्णय देता, लेकिन शेखावत की यह दलील है कि जिस तरह से जो आरोप पत्र पेश किया जा रहा है उस आरोप पत्र पर रोक लगी जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा सहयोग किया है और उनका कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखना है कि हाईकोर्ट क्या इस मामले में निर्णय करता है। और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो मामला है वो शेखावत के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है क्या अरुण हर्ष? बिल्कुल, इस मामले में अगर हाईकोर्ट का निर्णय अगर शेखावत के पक्ष में नहीं रहता है तो निश्चित तौर से शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आरोप पत्र दाखिल करने के साथ साथ जिस तरह से एसओजी ने इनको आरोपी माना है और मुख्यमंत्री ने भी लगातार इस मामले को लेकर कहा है कि शेखावत उस मामले में आरोपी है, तो कह सकते हैं कि अगर शेखावत के पक्ष में अगर निर्णय नहीं आता है तो निश्चित तौर से जो आने वाले दिनों में शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। मणि, अगर शेखावत के पक्ष में निर्णय नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये जो है वो 30 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है, जो लगातार राज्य सरकार कह रही है कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है उसको हटाया जाए, कहीं ना कहीं ये उसे प्रभावित करता हुआ नजर आएगा क्या?
बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं, अगर आरोप पत्र पेश हो जाता है तो 30 अक्टूबर को जो आने वाली राज्य सरकार की जो एप्लीकेशन है, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर जो रोक लगा रखी है, उस पर भी असर पड़ेगा और देखना ये होगा कि आज हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आज इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है। क्या लगता है यहाँ पर अरुण हर्ष, क्योंकि लगातार इस खबर पर आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं, कितने बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सुनवाई इस मामले में शुरू हो जाएगी? अगर मणि बात की जाए तो इस मामले की सुनवाई करीब जो है लंच के बाद होगी, यानी कि 1:30 से 2 बजे के बाद में इस मामले की सुनवाई होगी। 90 नंबर पर उनकी याचिका लगी हुई है और लंच के बाद उनकी सुनवाई का आने का संभावना है। मणि बिल्कुल, शेखावत का रुख क्या रहेगा इस मामले में, अगर कोर्ट उनके पक्ष में, अगर यहाँ पर जो है सुनवाई के दौरान अगर उनके पक्ष में चीजें नहीं आती है तो? देखिए अगर बात की जाए, शेखावत लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठाते रहे कि ये राजनीतिक व्यवस्था के चलते मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उनकी जो सरकारी एजेंसी SOG उसको दबाव देकर उनको आरोपी बनाया गया है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के बेटे को उन्होंने हराया था उसी बात का बदला मुख्यमंत्री ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ये दलील ले रहे हैं कि जिस तरह से लाखों लोग उनके पास आए थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके साथ लाखों रुपये की जो ठगी हुई थी, जो संजीवनी घोटाले में जो आरोप लगाए थे लोगों ने, उसी कानूनी तलवार शेखावत पर लटकी हुई नजर आ रही है अरुण हर्ष। बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है, कानूनी तलवार शेखावत के ऊपर लटकी आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह का निर्णय देता है। फिलहाल तो हाईकोर्ट ने शेखावत को रात देर की है, 30 अक्टूबर तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। आज वाले मामले में है जो हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मणि तो करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त बता रहे हैं अरुण हर्ष जब इस मामले पर सुनवाई होगी, और ऐसे में कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये जानकारी भी अरुण हर्ष दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका अरुण मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।